वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, BBL गेम 2 मेलबर्न स्टार्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट। अगर आप आज का मैच देखे उसमें कुछ काफी एक्यूरेट रहे प्रेडिक्शंस, मगर कुछ काफी साउथ गए। जॉश फिलिपे, डार्सी शॉट और विल जैक्स सैडली सारे फेल हो गए, मगर मेरेडिथ वॉशियस, जेम्स विंस, कॉलिन इनग्रम और डैन क्रिश्चियन के प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट रहे। एनीवे, एज द टूर्नामेंट गोज ऑन, प्लेयर्स का भी फॉर्म अच्छे से और समझ आएगा। अभी बात करते हैं गेम 2 की, मेलबर्न स्टार्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट। 8-4 से ब्रिस्बेन हीट डोमिनेट करता है मेलबर्न स्टार्स को। लास्ट 10 गेम्स में भी 7-3 से आगे है, लास्ट 5 गेम्स में 3-2 से आगे है, मगर पिछले सीजन दोनों टीम से एक एक मैच जीता है। मेलबर्न स्टार्स की पिछले 5 मैच में 4 हार है, बट दे फिनिश सेकंड, लॉस्ट द फाइनल्स अगेंस्ट सिडनी। दूसरी तरफ ब्रिस्बेन हीट का पिछला सीजन काफी खराब गया, यस 4 लॉसेस इन द लास्ट 5 गेम्स, बट दे फिनिश्ड 7th लास्ट सीजन। दोनों टीम्स के बीच का हाई स्कोर है ब्रिस्बेन हीट का 206-7 और लो स्कोर 115 ऑल आउट है पिछले सीजन में, एक्चुअली पिछले मैच में मेलबर्न स्टार्स। सबसे ज्यादा रन है मार्कस स्टोइनिस के 279 रन्स एंड ही इज इन फाइन फॉर्म एज वेल। दूसरी तरफ है क्रिस लिन विद द मोस्ट रन्स फॉर ब्रिस्बेन वर्सेस मेलबर्न, 256 रन्स। विकेट्स एक तरफ है एडम जैम्पा, दूसरी तरफ मिचेल स्वेप्सन मगर ये मैच नहीं खेलेगा, बट जैम्पा जरूर खेलेगा। 9 विकेट्स फॉर हिम, 14 फॉर स्वेप्सन। कैनबेरा के ग्राउंड पे हाई स्कोर 189-6 है मेलबर्न रेनेगेड्स का 2018 में, लो स्कोर पिछले ही मैच में इंडिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया का प्लस पाकिस्तान का वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 150 है फॉर 6। अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए, यहाँ इस ग्राउंड पे ज्यादा विमेन्स T20 खेले गए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स 168 रहा है, एवरेज सेकंड इनिंग्स 101। लास्ट 5 मैचेस में 4-1 एडवांटेज है फॉर द टीम बैटिंग फर्स्ट। ब्रिस्बेन ने इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं खेला है, मगर मेलबर्न स्टार्स ने एक खेला और वो मैच हारी है। अगर पिछले मैच की बात की जाए तो 161 का टारगेट जो इंडिया ने दिया था ऑस्ट्रेलिया को, वो डिफेंड कर लिया था अच्छे से। एंड व्हाई वाज दैट? बिकॉज पिच में स्पिनर्स के लिए काफी स्लो विकेट खेला था, स्पिनर्स के लिए कुछ था, बाउंड्रीज बड़ी थी, तो द स्पिनर्स एंड द स्लो बॉलर्स, हेनरीकेज ने 3 विकेट ली, चहल ने 3 विकेट ली, जैम्पा ने विकेट ली थी, सो स्लोअर बॉलर्स को काफी एडवांटेज मिली थी। एंड इवन द क्विकर बॉलर्स विच हैड गुड वेरिएशन लाइक नटराजन जिसने 3 विकेट ली थी। तो एक्सपेक्ट करिए 160-170 का टोटल, अच्छा टोटल रहेगा इस ग्राउंड पे। एंड बोथ टीम्स विल लुक टू गो हार्ड इनसाइड द पावर प्ले। दोस्तों ठंडा दिन होने वाला है, 15-17 के बीच में टेम्परेचर रहेगा एंड दोनों टीम्स आई फील सेम वो जो T20 मंत्र है वही फॉलो करेगी, दे वांट टू विन द टॉस एंड चेज फर्स्ट, इवन अगर ये ग्राउंड कुछ अलग बोलता है। दोनों टीम्स के स्क्वाड्स प्रीटी मच ऐसे लगेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मगर जो बिग नेम्स हैं, इट्स मार्कस स्टोइनिस, आंद्रे फ्लेचर, एक इनफॉर्म ग्लेन मैक्सवेल, कूल्टन नाइल कम्स बैक, बिली स्टैनले होएगा, एडम जैम्पा, सो मेलबर्न की जो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। दूसरी तरफ यू हैव क्रिस लिन, यू हैव अ यंग स्टार, अपकमिंग स्टार डैनियल लॉरेंस, टॉम कूपर है एक नोन फेस है, बेन लाफलिन है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल BBL बोलर है स्पेशली डेथ में। सो दोनों टीम्स आर स्ट्रॉन्ग टीम्स, पूरन, लबोशेन, स्वेप्सन ये लोग अभी टीम में नहीं है इस मैच के लिए। स्टोइनिस का अगर लीडिंग परफॉर्मेंस में देखा जाए, ही वॉज द लीडिंग परफॉर्मर फ्रॉम लास्ट सीजन, 705 रन थे एंड ही कैरीड दैट फॉर्म इनटू IPL एज वेल। जैम्पा की बाय द वे अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के लिमिटेड ओवर लेग में 10 विकेट्स है, तो ही इज इन गुड फॉर्म। डैनियल लॉरेंस एक इंग्लिश प्लेयर है, 576 रन है जिसके 147 के स्ट्राइक रेट में इन वाइटालिटी ब्लास्ट इंग्लिश T20 क्रिकेट। बेन लाफलिन की 110 विकेट है 88 मैचेस में, एवरेज देखिए 22 की, इज अ डेथ बॉलर एंड ही हैज द मोस्ट विकेट्स इन BBL क्रिकेट। एंड ग्लेन मैक्सवेल के 350 प्लस स्कोर्स थे 6 इनिंग्स में अभी रिसेंटली वर्सेस इंडिया एज वेल, ही इज कमिंग फ्रॉम एक्सीलेंट लिमिटेड ओवर्स फॉर्म। एंड यहां पे हम लोग लिन को नहीं भूल सकते, क्रिस लिन who has done very very well for his team Brisbane Heat as well, he was the leading run scorer for Brisbane Heat last season. So captain vice captain options, Marcus Stoinis, Glenn Maxwell, Chris Lynn, ye aapke captain options bhi hai, inhi mein se aap apna vice captain bhi choose kar sakte hain. Agar kuch alag karna chahe to Daniel Lawrence ke sath jaiye, Adam Zampa, Ben Laughlin ye bhi acche vice captain options ban sakte hain, Laughlin because death mein bowling karta hai. Performer predictions, Marcus Stoinis I think will carry that form, opening bhi karega, plus Adam Zampa I think wickets lega, dusri team se Chris Lynn opening karega, I feel run marega and Ben लाफलिन डेथ में बॉलिंग करेगा और विकेट्स लेगा। पंट पिक, दोस्तों मुझे फीलिंग है कि शायद आंद्रे फ्लेचर अच्छी स्टार्ट दे, तो ही इज अ पंट पिक फ्रॉम मेलबर्न एंड दूसरी टीम से एक यंग डैनियल लॉरेंस, आई वुड लाइक टू बैक हिम एंड आई वुड लाइक टू होप दैट ही बिकम्स अ स्टार दिस BBL एज वेल। विनर प्रेडिक्शन, दोस्तों अगर मैन टू मैन देखा जाए, पिछले मैच में मैंने आपको सही दिया है प्रेडिक्शन, मैंने कहा था मैन टू मैन होबार्ट इज लुकिंग बेटर एंड सिमिलरली इस बारी मेलबर्न स्टार्स हैव द बिगेस्ट ऑजी स्टार्स इन दैट टीम एंड आई थिंक दे विल विन दिस मैच प्रीटी इजीली। ये एक अच्छी बैलेंस टीम है आप लोगों के लिए, सारे बिग नेम्स इस टीम में, अगर आप देखें मैक्सवेल, स्टोइनिस, डंक, फ्लेचर, लिन, डैनियल लॉरेंस, बेन लाफलिन, नेथन कुल्टनाइल, एडम जैम्पा, आई हैव बैक्ड अनदर स्पिनर इन कुनहमन एंड वी विल हैव टू पिक अप
पियर्सन एज अ विकेट कीपर बिकॉज दूसरी टीम से एंड्रे फ्लेचर जो है वो बैटिंग में रखा हुआ है उसको विकेट कीपर की तरह। मैंने बनाया स्टॉइनिस को कैप्टन, लिन को वाइस कैप्टन, यू कैन ब्रिंग इन मैक्सवेल एज योर वाइस कैप्टन एज वेल, यू कैन गेट जैम्पा एज योर वाइस कैप्टन एज वेल। सो योर विश गाइस, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज फॉलो करिए। इस मैच में भी दी थी मैंने आपको। सो ऑल द बेस्ट यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।